हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम एक शानदार सी मार्केट एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपकी ट्यूसडे की मार्केट है 20 फरवरी की, वो कैसी रहती हुई दिखेगी, क्या क्या प्रोजेक्शन बन सकता है, क्या ऐसे हम लोग प्रॉफिट्स बना सकते हैं, उन सब के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में जो भी चीजें आपको बताई जाएगी वो सब कुछ एजुकेशनल पर्पज से बताई जाएगी, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मायसेल्फ अमन श्रीवास्तव, इंटेलिजेंट ट्रेडर, आपके सामने आ चुका हूँ विद प्रॉपर एनालिसिस, को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो लास्ट मार्केट का देखने की सीक्वेंस की कोशिश करेंगे, जो आपको वीकली बेसिस पे मार्केट एनालिसिस वीडियो में बताया गया था। कुछ लेवल्स आपको दिए गए थे जो कि आपके निफ्टी के ये सारे लेवल्स थे जो एकदम प्रॉपरली डॉट टू डॉट फंक्शन करे, एंड कुछ चीजें जो पॉइंट्स आपको बताया गया था कि मार्केट में वो चीजें हो सकती है वो भी पूरी डॉट टू डॉट फंक्शन करती हुई दिखी। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि आपको कल के दिन में बताया गया था कि मार्केट अगर कल के दिन में गैप अप खुलता है, कुछ भी खुलता है, तो एक बार 22,000 के आसपास एक बार आने की कोशिश करेगा। तो मार्केट गैप अप खुला, फिर नेगेटिविटी का प्रेशर बनाया, इस लेवल को ब्रेक करा, यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट्स को क्रिएट करा एंड यहां तक डॉट टू डॉट टारगेट्स कंप्लीट होते हुए दिखे। फिर इसी लेवल पे ये 22,000 के एकदम आसपास का लेवल है, इसको आप ध्यान दीजिएगा तो आपको दिख जाएगा 22,018 का लेवल है, ठीक है। फिर वहीं से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुआ एंड वहीं से मार्केट पूरा दिन उसके ऊपर ही रहा, इसके ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर इसको थोड़ा सस्टेन करा, फिर आपके ही रेजिस्टेंस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट बनाया, फिर इसको ब्रेक करा, फिर टॉप लेवल पे जाके रेजिस्टेंस लिया, फिर इसको सपोर्ट बनाया, इसको ब्रेक करा, यहाँ पे गंदगी बना के मार्केट को खत्म करा। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं आपके लेवल्स एकदम प्रॉपरली फंक्शन करे। और आज के दिन में हम लोग ने आज मेनली बैंकेक्स को टारगेट करा, मतलब ये बहुत अच्छी चीज हो जाती है अपने इंटेलिजेंट ट्रेडर्स के साथ कि हम लोग के सुबह के डिसीजंस बहुत प्रॉपर हो जाते हैं, क्योंकि आज दोनों की एक्सपायरी थी, मिड कैप की भी एक्सपायरी थी एंड बैंकेक्स की भी एक्सपायरी थी। बट इन दोनों में से जिन्होंने भी मिड कैप को ट्रेड करा होगा ऑप्शन बाइंग में, वो पक्की बात है बहुत हाई प्रोबेबिलिटी उनका लॉस होता हुआ दिखा होगा, क्योंकि मिड कैप पूरा दिन एक ही जोन में रहा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग, नथिंग एल्स। मतलब ना के बराबर उसमें आरओआई मिलने की कोशिश, एक दो जगह हो सकता है आपकी स्कैल्प फंक्शन कर गई हो, बट मिड कैप पूरा दिन आपका साइडवेज टाइप का, प्रीमियम डीके टाइप का था। और हम लोग ने आज सुबह से कह लीजिए कि बैंकेक्स को ही चूज कर लिया था, आज सिर्फ बैंकेक्स में खूब पोजीशंस बना रहे थे एंड उसमें हम लोग को काफी अच्छा आरओआई मिलता हुआ दिखा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो बैंकेक्स में काफी लोगों ने काफी अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स को बनाए थे, यहाँ पे अभी क्लीन हो गया है, बट यहाँ पे भी हम लोग ने लॉन्ग करा था, पूरा रॉकेट हुआ था। और यहीं पे मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को भी, अपने ऑफिशियल प्रीमियम मेंबर्स को भी गाइड करा था कि आप लोग एक लॉन्ग साइड की पोजीशंस को देख सकते हैं। जैसे कि आप देख पाओगे कि 10:33 पे बैंकेक्स एंड बैंक निफ्टी शुड गिव अ स्पाइक अपसाइड, क्लियरली बताया गया था मेरे व्यूज के हिसाब से 10:33 पे। और आप अगर बैंकेक्स को भी देखने की कोशिश करोगे तो बैंकेक्स ये है, इसमें 10:33 अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं है, इस वाली गैंगस्टिक के आसपास। बस इसमें आप अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाते, स्टॉप लॉस नीचे, पूरा रॉकेट मोमेंटम देख सकते हो आप सभी के सभी लोग। वही काम अगर आपने बैंक निफ्टी में भी करा होता, बैंक निफ्टी में भी 10:33 की पोजीशन यहाँ कहीं है आप देखेंगे, तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग साइड की पोजीशन को ट्राई करते, स्टॉप लॉस लगाते, पूरा रॉकेट मोमेंटम। तो प्रीमियम मेंबर्स कॉड लेवल एनालिसिस डेली पाते हैं, अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो प्रीमियम मेंबरशिप लाइफ टाइम के लिए, तो बस अपना अकाउंट ओपनिंग कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक से 5 मिनट लगेगा, धन में अकाउंट ओपन कर लीजिए एंड हमारे साथ लाइफ टाइम प्रीमियम मेंबरशिप में फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करते हुए दिख जाइए, वो भी लाइफ टाइम गाइस। मतलब बस एक बार थोड़ी सी मेहनत करना है, डिपॉजिट करना है, एक नॉर्मल ट्रेडिंग करते हुए दिखना है, तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में जल्दी से लग जाएगा। तो ये एक प्रॉपर एनालिसिस हुई और इसके बाद हम लोग ने काफी सारे स्कैल्प्स करे, टॉप लेवल पे भी लोगों ने कॉल्स परचेस करने की कोशिश करा बट हम लोग ने इग्नोर करा था, तो बहुत अच्छी तरीके से एक प्रॉपर डे को क्लोज करा गया। लास्ट क्लास में मार्केट में 3 PM के बाद सेलिंग आ गई थी, इसीलिए बहुत ज्यादा बीटीएसटी लॉन्ग साइड का तो नहीं बल्कि साइडवेज टू बेरिश साइड का एक्सपेक्टेशन रख के काम करा गया, इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं कि कल की मार्केट एंड एवरीथिंग कैसे परफॉर्म कर सकती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, उन सबका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले गाइस अब हम लोग देखेंगे कि एक बार ग्लोबल मार्केट में कोई इवेंट तो नहीं है, तो उसका आंसर है कि ग्लोबल मार्केट में अभी तो कोई भी इवेंट बहुत ज्यादा आज के दिन में, मतलब 20 को नहीं है, 22 को है। FNO रिजल्ट्स भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इसको याद रखिएगा। आज के दिन में जो मेजर स्टॉक्स जो अच्छा परफॉर्म करे उनमें से डिक्सन, GMR इंफ्रा, AU बैंक, ये सब आपके मेजर थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करा। और जो वीकनेस के साथ परफॉर्म करे, कनारा बैंक, उसके बाद SDFC AMC, जील, कोल इंडिया, सो ये सब आपके वीकनेस के साथ परफॉर्म करे। रिलायंस और कुछ बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स न्यूट्रली परफॉर्मेंस दिए, बहुत ज्यादा ना बुलिश ना बहुत ज्यादा बियरिश, ठीक है। इन सब का भी अपडेट मैं आपको आपके ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूं, तो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का 3rd link इन द डिस्क्रिप्शन है, वहां से आप अपना ज्वाइन कर लीजिएगा, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रीमियम मेंबरशिप के लिए बस अकाउंट ओपनिंग करना है, ऑफिशियल वाला टेलीग्राम चैनल हमारा डिस्क्रिप्शन में 3rd link है, वहां से आपको ज्वाइन कर लेना है।
अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हुए दिखते हैं जो होता हुआ दिखेगा आपका। इस टाइम ग्लोबल मार्केट कैसी चल रही है, तो इस टाइम ग्लोबल मार्केट को देखोगे तो यूरोपियन मार्केट इस टाइम अभी आपकी न्यूट्रली चल रही है, बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं। हाँ एक चीज है कि यूएस मार्केट आपका क्लोज्ड है, यूएस मार्केट आपका क्लोज्ड है, उसकी वजह से आज रात में जो मोमेंटम्स आएंगे या आज रात में जो गिफ्ट निफ्टी मतलब हल्का फुल्का मूव करेगा उसमें बहुत वोलेटिलिटी नहीं आती हुई दिखेगी। वो मेनली जो गिफ्ट निफ्टी अब होगा वो कल सुबह एशियन मार्केट एंड एवरीथिंग के ऊपर डिपेंडेंट होके काम करने की कोशिश करेगा गैप अप एंड गैप डाउन के लिए, तो इसको याद रखिएगा। तो यूएस मार्केट आज के दिन में क्लोज्ड है, कल के दिन से ओपन हो जाएंगे, उसके हिसाब से फिर हम लोग उसको देखने की कोशिश करेंगे। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। एफआईआईज एंड डीआईज डाटा अभी आया नहीं होगा, जैसे ही आपको एफआईआईज एंड डीआईज डाटा आता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर से क्या आता हुआ दिखा, क्या सेलिंग के साइड में एफआईआईज थे कि आज भी एफआईआईज न्यूट्रल ही क्लोजिंग करने की कोशिश करे, इस चीज को जरूर से बताइएगा आप लोग, इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी मैं वन डे टाइम फ्रेम पे आपको कुछ चीजें और दिखाने की कोशिश करना चाहूंगा, जैसे कि निफ्टी को अगर आप वन डे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे अभी भी आज के दिन बहुत एग्रेसिव स्ट्रांग कैंडलस्टिक तो नहीं बट गैप अप खुल के सस्टेनिंग कैंडलस्टिक के रूप में मार्केट ने आज क्लोजिंग करा। एंड बैंक निफ्टी भी देखोगे तो गैप अप खुल के एक सस्टेनिंग कैंडलस्टिक के टाइप की क्लोजिंग करा। ऐसी कैंडलस्टिक जब भी एक दो दिन तीन दिन लगातार बनती है ना गाइस, तो मेरा मन रहता है कि एक रेड कैंडलस्टिक बीच में कभी ना कभी आनी चाहिए। तो उससे क्या होता है ये जो गैप पेंडिंग पेंडिंग छोड़ के मार्केट गैप अप खुलता जा रहा है इसको मार्केट एक बार फिल करता है तो मजा आता है, मतलब अच्छी पोजीशंस ऑप्शन बाइंग की मिलती है, काफी अच्छे प्रीमियम्स में जंप मिलता है और मैक्सिमम जो स्टॉप लॉसेस भी हैं वो भी अभी डाउन साइड ही में लगे हुए हैं इस वीक के। तो हो सकता है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो आपकी परसों होती हुई दिखे उस दिन ये काम हो सकता है, इसीलिए मेरा कुल कल के लिए कुछ प्रिडिक्शन भी है। मुझे जितना लगता है कल की यूएस मार्केट क्योंकि देखो आपकी बंदी है तो कल आपका साइडवेज ही टाइप की ओपनिंग करेगा, थोड़ा मोड़ा गैप डाउन भी खुल सकता है, तो कल का मार्केट मुझे लगता है छोटा मोटा रेड टाइप की कैंडलस्टिक निफ्टी में भी क्लोजिंग करेगा एंड बैंक निफ्टी में भी न्यूट्रल तरीके का। कल के दिन में नाइदर बहुत बड़ा ब्रेकआउट नॉट बड़ा बहुत बड़ा ब्रेकडाउन, बट इतना है इंट्राडे में मूव्स काफी अच्छे रहेंगे और फिर निफ्टी में भी मूव आने के चांसेस काफी अच्छे रहेंगे। बट बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो होती हुई दिखेगी आपको 21st of February को, उस दिन एक अच्छा मूव आ सकता है, या तो सारे इधर के जो गैप्स है उसको फिल करेगा स्टॉप लॉस हंट करते हुए, या तो मार्केट इतना जो यहाँ पे सिनेरियो बना के रखा हुआ है निफ्टी को एकदम ऑल टाइम हाई को आज टच करा, बैंक निफ्टी में जो जब डब्लू पैटर्न पूरी दुनिया को दिख रहा है तो उसका या तो ब्रेकआउट करके मार्केट इस वाले गैप को टारगेट करने का ट्राई करेगा, तो मे बी पॉसिबल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन आपका ये सब सिनेरियो बने। इसके बारे में मैं और प्रॉपर डिटेल्स आपको कल के दिन में बताने का ट्राई करूंगा। और वैसे कल की मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप लोग का खूब प्यार आया गाइस, उसके लिए दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप लोग का एक एक लाइक एक एक शेयर एक एक प्यार बहुत अच्छा लगता है, इसको ध्यान दीजिएगा। और उस वीडियोस पे लगभग 700 लोगों ने लाइक करा उसके लिए दिल से शुक्रिया। इस वीडियो पे भी कम से कम ट्राई करिएगा 1000 लाइक्स ले, एंड काफी सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। ओके अब चलते हैं कि कल की मार्केट कैसे काम कर सकती है, उसके प्रोजेक्शन उसके लेवल्स को मार्क करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स को मार्क करिएगा, 22,230 लेवल है सबसे टॉप, देन उसके बाद 22,186, देन उसके बाद 22,148, देन उसके बाद 22,102, देन उसके बाद 22,058, देन उसके बाद 22,017, देन उसके बाद 21,928। ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो निफ्टी में आपके लिए यूजफुल होते हुए दिखेंगे। ठीक है अब इसको प्ले कैसे करना है उसको समझने का ट्राई करिए। सिंपल सी बात है, अगर आप मार्केट में देखेंगे तो लास्ट क्लास में सेल ऑफ आया, ठीक है, तो अगर कल के दिन में मार्केट साइडवेज खुलता है या गैप अप खुलता है तो गैप अप के केस में 22,147 जब तक मार्केट क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता तब तक मैं एक रुपए की भी बुलिशनेस की साइड की शायद पोजीशंस ना बनाऊ। मतलब अगर नीचे से कहीं से बुलिशनेस दिखेगी वो बात नहीं, मतलब अगर गैप अप खुलता है या साइडवेज खुलता है और यहां पे स्ट्रेंथ आती है तो मैं तब तक एक रुपए का भी बुलिशनेस का नहीं ट्राई करने वाला, मैं वेट करूंगा। जब मार्केट इसको कुछ तोड़ने की कोशिश करने के लिए दिखाता है तो उसमें एडवांस एंट्री, या तो इसको तोड़ के सस्टेन करता है देन ओनली लॉन्ग साइड की एक पोजीशन को अपना ट्राई करेंगे 22,185.4 के लिए, इसको याद रखिएगा। ठीक है तो ये लेवल को आप बिल्कुल मार्क कर लीजिएगा। दूसरा केस, क्योंकि ये लास्ट में सेल ऑफ जो आया ना, ये पर्टिकुलरली लास्ट में 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग 3 पीएम के बाद भी सेल ऑफ के साइड ही में सस्टेन करना, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिविटी की बात बना रहे हैं मार्केट में। दूसरा केस, अगर मार्केट साइडवेज खुलता है या तो गैप डाउन खुलता है, और दोनों केसेस में से कभी भी अगर मार्केट 22,100 को ब्रेक करता है, अच्छी तरीके से ब्रेक करके सस्टेन करता है, एक फुल बॉडी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग करता है, तब ये मानेंगे कि ये जो बायर्स जो मार्केट में यहाँ पे प्रेजेंट हैं ये सब बायर्स
ये सब बायर्स मार्केट से निकलने की कोशिश करेंगे निफ्टी में, एंड फिर निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग टाइप का 22,060 तक का लेवल एंड 200 मूविंग एवरेज, ये दोनों टारगेट आपका मॉर्निंग ही में आने का ट्राई कर देगा मार्केट में। तो आप इन दोनों को लीजिएगा, फिर मार्केट में 200 मूविंग एवरेज से एक सपोर्ट बनेगा, उसको प्ले करिएगा, फिर उसमें रेजिस्टेंस सपोर्ट जो भी रहेगा वो हम लोग आपको लाइव स्ट्रीम में बताएंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से, आगे के फ्यूचर्स को प्ले करने का ट्राई करिएगा। ठीक है गाइस, इस तरीके से आपको निफ्टी में प्ले करना है, आपको समझना है। बायर्स भी अवेलेबल है यहाँ पे खूब सारे, सेलर्स थोड़े थोड़े लास्ट में अभी एक्युमुलेट हुए हैं, देखना है कि कल के दिन में वो लोग डोमिनेट करते हुए दिखते हैं तभी मजा आएगा। अगर वो डोमिनेट करे, इसको तोड़े वोड़े, तब नेगेटिव साइड में हम लोग पोजिशन को बनाया जाएगा। बाकी इस जोन में मार्केट स्लो रहेगा, उस टाइम मैं तो आपसे कहूंगा वोलेटिलिटी ज्यादा बैंकिंग सेक्टर, फिन निफ्टी, इन सब में मिलेगी, उस टाइम आप उन सब में प्ले करिएगा एंड वहां पे प्रॉफिट निकालेगा। तो उन सब में प्ले करने के लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करना जरूरी है, तो आइए उनके इंपॉर्टेंट लेवल्स को जल्दी से मार्क कर लेते हैं एंड इसको प्ले करने की कोशिश करते हैं। तो ये है आपके बैंकिंग सेक्टर के इंपॉर्टेंट लेवल्स। सबसे टॉप लेवल 46,869, सेकंड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 46,707, थर्ड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 46,598, फोर्थ आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 46,465, नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 46,323, नेक्स्ट आपका 46,245 एंड देन इसके बाद आपका 46,145। ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब इनको प्ले कैसे करना है, अगर मार्केट कल के दिन में गैप अप खुलता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, बट इन द केस गैप अप खुलता है, तो बैंक निफ्टी का तो मैंने बता दिया, बट बैंक निफ्टी में मैं तो अगर गैप अप खुलता है ना, तो मैं तो ट्राई करूंगा कि एक्सट्रीम बुलिशनेस मैं इस लेवल के ऊपर लूं 46,702, क्योंकि उसके ऊपर अगर मार्केट जाके सस्टेन करेगा तो वन डे टाइम फ्रेम पे वही जो है डब्ल्यू पैटर्न का एक तरीके से ब्रेकआउट माना जाएगा एंड फिर मार्केट यहां से यहां तक की एक फ्लो में स्ट्रेंथ दिखाना चाहिए, तब एक रियल ब्रेकआउट सस्टेनिंग कैंडलस्टिक्स मानी जाएगी वन डे टाइम फ्रेम पे भी। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाके क्लोजिंग करता है 46,700 के ऊपर जाके अच्छे से क्लोज करके ऊपर के साइड में सिनेरियो बनाता है, ये वाला लॉन्ग सबसे बेस्ट रहेगा। इस जोन में कहीं गैप अप खुला, यहां से यहां तक जाता है, तो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मैं देखूंगा यहां पे अगर नेगेटिविटी बनाया तो उसमें प्ले करके फिर इसके जोन को ब्रेकआउट करने के बाद एक लॉन्ग साइड का प्ले करा जाएगा। दूसरा केस कि अगर मार्केट इसके नीचे ही गैप अप खुलता है, यहीं कहीं खुलता है, तो यहां से अगर सेल ऑफ का पोजीशन मिलता है तो ये भी प्ले कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस अबव दिस, क्योंकि मार्केट में लास्ट में अच्छी खासी नेगेटिविटी आई थी एंड नेगेटिविटी साइड को कंटिन्यूएशन में अगर सेलर्स एक बार लेके जाने की कोशिश करे 200 मूविंग एवरेज तक लिए, तो उस वाले सेलर्स को भी प्ले करने का ट्राई करना है। तीसरा केस कि अगर मार्केट साइडवेज खुले या गैप डाउन खुले, दोनों केस में पीजीएस के थ्रू अपना पहला ट्रेड लीजिएगा गाइस। पीजीएस के थ्रू आपका पहला ट्रेड बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बन सकता है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि कल के दिन में पीजीएस के सेटअप्स बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपरली फंक्शन करेंगे बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में। अब जिनके पास पीजीएस नहीं है वो अपना फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन से पीजीएस को स्पेशल कूपन कोड पीजीएस को अप्लाई करके आप ले सकते हो, मतलब कूपन कोड में आपको हैव अ कूपन कोड वहां पे पूछता है, वहां पे आप अपना पीजीएस डाल दीजिएगा। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन पे जब क्लिक करोगे तो हैव अ कूपन कोड में कैपिटल लेटर में पीजीएस डाल के आप इसको तुरंत से अप्लाई करके ले लीजिएगा। ये आपको ऑफ भी लग जाएगा, इसको पढ़िएगा एंड इसको अप्लाई करके प्रॉफिट बनाना शुरू करिएगा। तो सिंपल सा मैंने आपको बता दिया, साइडवेज टू गैप डाउन खुलता है, तो इस केस में आप अपनी पीजीएस के थ्रू पहले एंट्री लीजिएगा एंड इसमें अच्छी तरीके से प्रॉफिट निकालिएगा। और अगर मार्केट 200 मूविंग एवरेज को कल के दिन में तोड़ता है तो पहला टारगेट आपका 46,324 एंड दूसरा टारगेट 46,250 एंड वन डे टाइम फ्रेम पे भी तब आप पाएंगे कि एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मार्केट के द्वारा लिया जा रहा है एंड एक नेगेटिविटी का पैटर्न अच्छा खासा मिलता हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप मिस आउट ना करिएगा। तो यही थी आज की एनालिसिस गाइस, मैं होप करता हूं आपको लिए यूजफुल हुई होगी। मैं थोड़ा से वेट कर रहा हूं क्योंकि मार्केट थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा है। स्लो डाउन मतलब मैं पिछले वीक से आपने भी ऑब्जर्व करा होगा, मैंने आज लाइव स्ट्रीम पे भी बोला था कि जिसकी भी एक्सपायरी हो रही है उस दिन उसमें मोमेंटम जीरो के बराबर हो रहा है, तो इसीलिए मार्केट स्लो डाउन कर रहा है, तो हम लोग को किसी फास्ट ट्रैक मोमेंटम्स के डे का वेट करना पड़ेगा और बिग ऑप्शन बायर्स बिग मोमेंटम मतलब बिग होल्डिंग मोमेंटम्स, तब तक आपको स्कैल्पिंग ही में मास्टर करना पड़ेगा एंड इसके लिए स्कैल्पिंग के लिए पीजीएस स्ट्रेटजी है ही बेस्ट मास्टर स्ट्रेटजी जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस स्ट्रीम एंड वीडियो। आप मेक श्योर करना कि लाइक कर देना, अगर इस पार्ट के वीडियो तक देख चुके हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना यस आई वॉच द फुल वीडियो एंड अपना एंजॉय करना, शेयर करना अपने दोस्तों मित्रों के साथ ताकि उन लोग को भी प्रॉपर एनालिसिस मिल पाए एंड वो भी साथ में अच्छी तरीके से ग्रो करते हुए दिखें। अब मिलते हैं आप लोग से कल लाइव मार्केट के दौरान, तब तक के लिए सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल।